Hello everyone, welcome to the Wi-Fi Study CSI Net channel. So fertilization in the sea urchin, अगर मैं बात करती हूँ तो आज हम पूरा fertilization sea urchin पढ़ने वाले हैं. Fast block, slow block, polyspermy, सब कुछ आज discuss करने वाले हैं. हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर आप बता देना अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं नेक्स्ट कंप्लीट करा दूंगी. लेकिन आई थिंक ये वाला कंप्लीट कर लेंगे तो क्योंकि ये फ्लो में रहेगा तो तुम्हारा सारा एक बार में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आई थिंक वो भी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत ये हो जाएगा कि तुम प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा छूटने वाला नहीं है. सो अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी अन अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस होती हैं. ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो तुम्हारी फ्री वाली होती हैं, ठीक है. ये वाली जो होती है फ्री क्लासेस होती हैं, तो तुम इन्हें ज्वाइन कर सकते हो. उसके लिए तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा. फॉलो करने के बाद तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि कब मेरी क्लास होने वाली है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो. सेकेंडली अगर मैं बात करती हूँ YouTube के अलावा, अगर आपको बहुत अच्छे से, मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आपको कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स जो है बहुत अच्छे से जल्दी से टाइम में कंप्लीट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अन अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं. उसके लिए आपको लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको प्लस पे आना पड़ता है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है. प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है. आप जैसे इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च इंजन पर डालना है CSI UGC NET, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 24 मंथ्स का ले सकते हैं. ये आपके अपने अकॉर्डिंग है कि आपको कितने मंथ्स का लेना है. अगर आप अभी नवंबर 2020 वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत रिविजन की ज़रूरत है, आपको मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, तो आप 3 मंथ्स वाला ले सकते हैं. अगर मेरे हिसाब से आपको 12 मंथ्स वाला लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें आपका सारा कोर्स भी हो जाता है, कोर्स के साथ साथ आपका रिवीजन भी एक दो बार हो जाता है, और रिवीजन के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट भी लगा दिए जाते हैं. और ये मॉक टेस्ट क्या होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप मॉक टेस्ट भी यहाँ पे हो जाते हैं. आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हुए, तो यहाँ पे आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है, तो आप 12 मंथ वाला ले सकते हैं. जो नॉर्मली आपको पेमेंट करनी होती है 11,550 की पेमेंट करनी होती है, लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कुमकुम 10. इस कुमकुम 10 यूज़ करने से क्या होगा, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा. तो आप कुमकुम 10 यूज़ कर सकते हो. तो जो मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 26 अगस्त से, जो मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. और मेरे कोर्स के साथ साथ आपको सारे टीचर्स के कोर्स मिलेंगे जो भी आपके प्लस पे हैं. आपको अबाउट जो पे करना है वो 10,395 पे करना है फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए आपको पेमेंट करनी होती है. देन आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं. आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा. आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, आप EMI के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है. मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पे आपको अबाउट 10,395 आपको पे करने हैं, उतना ही आपको जैसे 1,000 रुपये पर मंथ कर दिए, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं. आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हैं. देखो अगर तुम कहीं बाहर कोचिंग लेने जाते हो, अगर ऑफलाइन कोचिंग तुम लेने जाते हो, तो अबाउट 35,000 to 40,000 आपके लेते हैं पैसे, वो भी 6 मंथ्स के पैसे होते हैं. उसके बाद आप कहीं बाहर रहोगे तो रेंट पे भी लेना पड़ेगा, तो कम से कम 1 या 1.5 लाख आपको खर्च हो जाता है. लेकिन यहाँ पे आपको 10,000 में 1 साल की कोचिंग मिल रही है, तो आई थिंक इससे बेटर कुछ भी नहीं है. और आप अन अकेडमी पर जुड़ सकते हो. अन अकेडमी पर कैसे करना है, आपको CSI UGC NET को सर्च करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग अ कुमकुम 10 टू गेट अ 10% ऑफ, ठीक है. तो कुमकुम 10 आपको अप्लाई करना है. चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक. एक सेकेंड तुम्हारे मैसेज देखती हूँ. हाय कमलेश, गुड आफ्टरनून. कृष्णा, गुड आफ्टरनून. पल्लवी, श्वेता, यूवी, सोमेन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. यस, तो पहले पढ़ते हैं हम स्पर्म क्या होता है, उसके बाद हम एग पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर फर्टिलाइजेशन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है. देखो अगर मैं स्पर्म की बात करती हूँ तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. अगर तुमने देखा हो कभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन, अगर तुमने देखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जो तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं अरे करेक्ट या फिर इनकरेक्ट वाले ऑप्शन में बनते हैं. तो मतलब तुम्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तुम्हें प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि स्पर्म क्या चीज़ है, कैसे बन रहा है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. समीक्षा, हाय, हेलो. नहीं अभी नहीं, मैंने आज नोटिफिकेशन चेक किया, कोई भी नया डेट नहीं दिखा, मुझे तो नहीं दिखा अभी नोटिफिकेशन, कोई नोटिसेस ऐसा कुछ नहीं आया है. आएगा
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सितंबर में कोई एग्जाम नहीं है, सितंबर में कोई नहीं, उन्होंने नवंबर का बोला हुआ था, नवंबर का बोला हुआ था कि सेकेंड वीक में होगा, तो सितंबर में तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये वाला तो बिल्कुल गलत है। डोंट वरी, सितंबर में एग्जाम नहीं होगा, आई एम श्योर नहीं होगा। चलो स्पम पढ़ते हैं, पहले स्पम की बात करते हैं, जो भी होगा हाँ वो मैं तुम्हें बता दूंगी, एक प्रॉपर कल कल का टाइम भी है, तो आप चिंता मत करो, मैं सारा का सारा एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद आई लेट यू नो। वैसे ऐसे सेप्टेम्बर में एग्जाम नहीं होगा, ये आई एम श्योर। यूजीसी नेट, अच्छा बेटा आप तो CSI UGC नेट दे रहे हो, CSIR है आपका। UGC नेट वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो जो आर्ट्स वाले होते हैं या फिर कॉमर्स वाले होते हैं, उनका एग्जाम है ये। हमारा CSI UGC नेट है, हमारा अलग है, हमारी कोई डेट नहीं आई है। हाँ सोमेन, तुम टेंशन मत लो, जो CSI UGC नेट है उसकी कोई डेट नहीं आई है, वो UGC की डेट आई होगी। वो साइंस वाले बच्चों की डेट नहीं होती है, वो जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं या फिर कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो किसी और डिपार्टमेंट से हैं, CSI वाले, जैसे लाइफ साइंसेज वाले बच्चे हो गए, फिजिक्स वाले हो गए, केमिस्ट्री वाले हो गए, मैथ्स वाले हो गए, उनका CSIR होता है। यस, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी, हाँ पैनिक नहीं होना है। चलो स्पर्म पढ़ते हैं क्या होता है। ईच स्पर्म सेल कंसिस्ट ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अ प्रोपल्शन सिस्टम टू मूव द न्यूक्लियस एंड अ सैक ऑफ एंजाइम दैट इनेबल द न्यूक्लियस टू एंटर द एग। हम पढ़ने वाले हैं कि स्पर्म सेल कैसे बना हुआ होता है, कैसे इसका प्रोपल्शन किसका होता है, मूवमेंट कैसे होता है, वो एग में कैसे मूव कर जाता है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस होता है इसका, वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, मतलब एन नेचर का होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा। द एटीपी नीडेड टू मूव द फ्लैजिलम एंड द प्रोपेल द स्पर्म कम फ्रॉम द रिंग्स रिंग्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तुम्हारे मिड पीस ऑफ द स्पर्म में प्रेजेंट होता है। ये भी एक बार क्वेश्चन में आ रखा है तुम्हारा, एक करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछा गया था कि जो एटीपी जो फॉर्मेशन होती है, जो फ्लैजिला को मूवमेंट करने में हेल्प करेगा, वो कहाँ से अराइज होती है, तो तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो मिड पीस में प्रेजेंट होता है, वहाँ से तुम्हारी एटीपी जनरेट होती है। अब कौन करेगा ये देखेंगे। द एक्रोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स गोल्जी एपरेटस एंड कंटेन्स अ एंजाइम दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स एंड द कॉम्प्लेक्स शुगर। तो जो एक्रोसोम जो पार्ट होता है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है कि जो एक्रोसोम है वो गोल्जी एपरेटस से डिराइव होता है, और इसके पास ऐसी एंजाइम्स होती हैं कुछ जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकती हैं, जो शुगर्स को डाइजेस्ट कर सकती हैं, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट होती हैं। द एंजाइम स्टोर्ड इन द एक्रोसोम कैन डाइजेस्ट अ पार्ट थ्रू द आउटर कवरिंग ऑफ द एग। जो भी एग और इसके बीच में जो आएगा, जो एग और इसके बीच में जो आएगा, वो सारे का सारा कौन क्लियर करेगा, जो एक्रोसोम होता है वो इन सब चीज़ों को क्लियर करते करते स्पर्म को लेके जाता है एग के पास में। तो ये एक्रोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो 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 भी पाथ बीच में आता है, जो भी चीज़ें बीच में आती हैं उनको डाइजेस्ट करता हुआ चलता है। हाँ अभी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आई है, सिर्फ नवंबर सेकेंड वीक बोला गया है। तो अब मैं बात करती हूँ स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस था, ये तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया थे, ये वाले जो दिख रहे हैं तुम्हें, उसके बाद ये गॉल्जी एपरेटस क्या करता है, ये धीरे धीरे क्या करता है, एक एक्रोसोमल वेसिकल को बनाना, फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करता है। तो किससे डिराइव हुआ है, गॉल्जी एपरेटस से। यहाँ पे एक सेंट्रियोल हो गया जो फ्लैजिलम को बनाना स्टार्ट करा, ठीक है, फ्लैजिलम यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। धीरे 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 क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर चीज में, एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड में तुम्हारा वो हो जाता है, एक पैटर्न में आ जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारा स्पर्म फॉर्म हो जाता है। धीरे धीरे आपका स्पर्म फॉर्म हो जाता है। जो आगे वाला रीजन है, जो ग्रीन वाला रीजन है, वो तुम्हारा एक्रोसोमल वेसिकल है, जिसमें बहुत सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जो भी स्पर्म और एग के बीच में जो आएगा उसको डाइजेस्ट करता हुआ चलेगा ये। उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है हैप्लॉइड नेचर का होता है। ये जो सेंट्रियोल होता है यहाँ से तुम्हारा निकलता है फ्लैजिला, ये जो मूवमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट है दैट इज फ्लैजिला, ये सेंट्रियोल से निकलता है। अब यहाँ पे बीच में ये जो मिड पीस है, जो मिड पीस है इसमें क्या होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ये जो यहाँ पे एक थ्रेड होगा दैट इज एक्सोनीम जो होगा, वो पूरा का पूरा ऐसे लेयर तक, टेल तक पूरा का पूरा ऐसे जाएगा। तो ये तुम्हारा टेल हो गया और ये तुम्हारा एंड पीस हो गया। तो चार पार्ट में होगा, स्पर्म का हेड होता है, मिड पीस होता है, टेल होती है, और एंड पीस होता है। तो ये तुम्हारा है स्पर्म का स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है।
अगर बात करती हूँ मैं, रीजन ऑफ द ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन लाइज बिटवीन द स्पर्म न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोम वेसिकल। दीज प्रोटीन्स आर यूज टू एक्सटेंड द फिंगर लाइक एक्रोसोमल प्रोसेसेस फ्रॉम द स्पर्म ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं वो एक एक्रोसोमल प्रोसेस को, जो फिंगर लाइक एक्रोसोमल प्रोसेस है, उसको पूरा का पूरा फॉर्म कर देती हैं। देखो, जो इंडिविजुअल स्पर्म है इज एबल टू ट्रेवल बाय विपिंग इट्स फ्लैजेला। अगर ये मेरा एक हो गया, स्पर्म हो गया, तो ये ऐसे ऐसे करके मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास है मोटर पोर्शन। मोटर पोर्शन का मतलब हुआ इसके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिल रही है, मूवमेंट करने के लिए एनर्जी मिल रही है। और याद रखना है, जो मेरा फ्लैजेलम होता है वो तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, क्योंकि सेंट्रियोल से निकला है। अगर सेंट्रियोल से कोई चीज़ निकली मतलब माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई होंगी, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से फॉर्म होता है। अब जो फोर्स मिलती है उसको मूवमेंट करने के लिए, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द डायनेन प्रोटीन। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, जो डायनेन प्रोटीन होता है एक मोटर प्रोटीन है, एक मोटर प्रोटीन है, ठीक है, नेगेटिवली एंड डायरेक्टेड होता है। ये क्या करता है, ये तुम्हारे एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराएगा, इस एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराएगा और उसको एडीपी में कन्वर्ट करेगा। जैसी इसकी एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी क्या करेगी, उस केमिकल एनर्जी को, इस केमिकल एनर्जी को तुम्हारे कन्वर्ट कर देगी किस में, मकैनिकल एनर्जी में। और मकैनिकल एनर्जी क्या होती है, जहाँ से तुम अपने आप से मूवमेंट कर सकते हो, मतलब वो प्रोपेल करने लग जाएगा, वो मूव करने लग जाएगा स्पर्म, उसको एक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे तुम्हारी बाइक में अगर पेट्रोल नहीं होगी तो वो मूव नहीं कर पाएगी, वैसे ही इसको भी एटीपी चाहिए होता है। वो कौन देता है, डायनेन देता है। ये डायनेन क्या कर देगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा और इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और ये मूवमेंट करेगा। ये होता है तुम्हारा स्पर्म। अब एग पे बात आते हैं, एग क्या होता है, एग मतलब सी अर्चिन का एग की बात कर रहे हैं। Outside this egg cell membrane is an extracellular matrix that forms a fibrous mat around the egg and is often involved in sperm egg recognition. This structure is usually called vitelline envelope. देखो, याद रखना इनकी सारी चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन में आता है, डिफरेंस आ जाता है ह्यूमन वाले में और सी अर्चिन वाले में, तो इसको याद रखना है। अगर मैं एग सेल की बात करती हूँ तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे एक फाइब्रस मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म और एग का रिकॉग्निशन कराने में बहुत हेल्प करता है, उसको बोलते हैं वाइटलाइन एनवलप। देखो, अगर तुम इसको रियल वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये जो डिप्रेशन सा हो रखा है, ये है तुम्हारा फीमेल प्रो न्यूक्लियस। यहाँ पे क्लियरली देखो, ये है तुम्हारा फीमेल प्रो न्यूक्लियस जो मेल प्रो न्यूक्लियस से कंबाइन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। जब तक दो न्यूक्लियस कंबाइन नहीं होते, वी कैन नॉट कॉल कि हाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है। बिना न्यूक्लियस के डीएनए जब तक फ्यूज नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तो प्रो न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। अब इसके बाद आती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, ये है तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो तुम्हारे स्पर्म और एग को रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होगी दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज से ही बाइंड कर सकती है, वो कोई और स्पीशीज से बाइंड नहीं कर सकती है। तो ये जो वाइटलाइन एनवलप है, ये रहा तुम्हारा वाइटलाइन एनवलप, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर बहुत जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा होगा तुम्हें कि थोड़ा बहुत लुमिनिसेंस आ है। तो ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है जेली कोट। तो ये तुम्हारा फीमेल स्ट्रक्चर। अब देखो, इस वाले फिगर में देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो रेड वाली जो चीज़ है, जो रेड वाला जो है, ये है तुम्हारा वाइटलाइन एनवलप। उसके बाहर वाली चीज़ें क्या है, एग जेली, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और इसके अंदर जो है, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना गोल गोल से, ये है तुम्हारी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ये हमें आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये है तुम्हारा एग का स्ट्रक्चर। सो वाइटलाइन एनवलप इज असेंशियल फॉर द स्पीशीज स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म। लाइंग इमीडिएटली बिनीथ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मोस्ट मेम्ब्रेन इज अ थिन लेयर, अ जेल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्टेक्स, जो बीच वाला रीजन हो गया। Within the cortex are the cortical granules. Cortical granules present होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्या होता है। These are membrane bound, मतलब ये भी एक membrane से bound होंगे। ये जो cortical granules होते हैं,
ये जैसे एक्रोसोमल वेसिकल में जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती हैं, वैसे ही इसके अंदर भी बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। नाउ ये भी तुम्हारे गॉलजाई से डिराइव हुए हैं, ये भी गॉलजाई डिराइव हुए हैं। कंटेन्स अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर दस होमोलोगस टू द एक्रोसोमल वेसिकल। याद रखना है, अगर एक्रोसोम की बात करी जाएगी और तुम्हारी इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की बात करी जाएगी, ये दोनों कैसे होते हैं? होमोलोगस होते हैं। मतलब क्या है, इनका ओरिजिन जो हुआ है सेम से हुआ है, लेकिन अभी ये फीमेल में है, ये मेल में है। हाउएवर वेयर एज अ सी अर्चिन स्पर्म कंटेन्स अ वन, तुम्हें पता चल गया जो मेल है उसके पास सिर्फ एक ही एक्रोसोमल वेसिकल है, एक ही एक्रोसोमल वेसिकल है, लेकिन फीमेल तो अपनी प्रोटेक्शन में क्या लेके चलती है, अबाउट 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके पास, इतने सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। तुम देख ही सकते हो इस स्ट्रक्चर में कि कितने सारे ग्रेन्यूल्स हैं, इतने सारे ग्रेन्यूल्स हैं, 1500 ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इन एडिशन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कंटेन अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड, अडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड हाइलिन प्रोटीन। तो और चीज़ें भी इसके पास प्रेजेंट होती हैं, जैसे म्यूकोपॉलीसेक्राइड, अडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन एंड हाइलिन प्रोटीन। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी करेंगे तब। द एंजाइम्स एंड द म्यूकोपॉलीसेक्राइड हेल्प प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, दे प्रिवेंट एडिशनल स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द एग आफ्टर द फर्स्ट स्पर्म हैज एंटर्ड। मतलब जब हमारे पास एक स्पर्म ऑलरेडी एंटर कर जाता है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं और भी स्पर्म ऐड करें, क्योंकि मैं मुझको तो सिर्फ एक से फर्टिलाइज करवाना था अपने एग को। जैसे ही वो फर्टिलाइज कर जाता है, तो ये जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड हैं, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये मेरे और सारे जो स्पर्म आ चुके होते हैं उनको हटा देते हैं कि सिर्फ एक को ही बाइंड करने दिया जाएगा। देखो जैसे ये मेरा हो गया एग, यहाँ पे तुम्हारे इतने सारे स्पर्म आ रखे हैं, इतने सारे स्पर्म आ रखे हैं, तो जैसे ही एक स्पर्म ने इसको फ्यूज करा, यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाएंगे और इन सबको ये हटा देंगे, इन सबको हटा देंगे, सिर्फ एक की एंट्री प्रोवाइडेड होगी, सिर्फ एक की एंट्री ही फेवरेबल होगी। ओके, व्हाइल हाइलिन एंड अडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन सराउंड द अर्ली एम्ब्रियो प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द क्लीवेज स्टेज ब्लास्टोमियास। तो ये सब अब अच्छे से पढ़ लेंगे, और ये तुम्हारा एग हो गया, तुम्हारा स्पर्म हो गया, अब हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन की ओर। अब क्या करना है, देखो अब क्या होगा, अब तुम्हारे ये लोग पानी में है, ठीक है, पानी में है, अब कैसे पता चलेगा कि ये इसी स्पीशीज का है या फिर वो उस स्पीशीज का है, और पानी में तो बहुत सारे रिलीज करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इतने सारे हम जो स्पर्म है वो क्यों रिलीज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। पहली बात तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब पानी में हो रहा है, तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो किस विसिनिटी में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से तुम ज़्यादा नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हों उस एग तक पहुँचने के लिए। तो इसीलिए तुम्हारा क्या है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसको याद रखना है। अब पहला क्या टॉपिक है, जो पहला होगा, कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय द सोलिबल मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय द एग। अब क्या होता है, जैसे अब एक पर्टिकुलर क्यू तो चाहिए, मतलब कुछ तो इशारा चाहिए कि कहीं एग से आए फिर स्पर्म से आए। तो एग क्या करता है, जैसे वो मैच्योर हो जाता है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है, तो एक कीमो अट्रैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रिलीज करता है पानी में। वो पानी में जैसे जाके बाइंड करेगा, स्पर्म की मेम्ब्रेन से जाके बाइंड कर जाता है, और वो क्या होता है, स्पर्म को पता चल जाता है कि अब ये यहाँ इस डायरेक्शन से आया है, अब मुझे जाना है एग के साथ फ्यूज करने के लिए। तो पहला होता है कीमो अट्रैक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिलीज हुआ जो उन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, जो स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स द एग। तो ये होता है पहला पॉइंट। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट आई थिंक बहुत बेस्ट है। सेकेंड की बात करते हैं, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल एंड रिलीज ऑफ इट्स एंजाइम। अब क्या होगा, तुम्हारा एग जो था स्पर्म के पास में पहुंच गया, अब स्पर्म के पास में पहुंच गया, अब क्या करना पड़ेगा, अब वो ऐसे तो है नहीं कि बहुत ईजी पाथ है कि एग ये रहा स्पर्म ये रहा फ्यूज कर जाएंगे, नहीं, उसको पहले स्पर्म को अपने जो एक्रोसोमल वेसिकल्स हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पाथ में जितने भी उसके प्रॉब्लम आ रही थी, जितने भी उसके पाथ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी थी, उनको रिलीज करने के लिए उसको एक्रोसोमल वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस करना पड़ेगा, उन एंजाइम्स को रिलीज करना पड़ेगा, अपने जो भी साथी लेके गया है अपने एक्रोसोमल वेसिकल में, जितनी भी एंजाइम लेके गया उनको रिलीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा एग तक पहुँचने का, वो थोड़ा ईजी हो जाता है। थर्ड क्या होगा,
द बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट इज वाइटल एंड एनवलप, या फिर जोना पैलेसेट अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ, ऑफ द एग। तो अगर मैं बात करती हूँ, अब क्या होगा, वो वहाँ तक पहुँच गया, पहुँचने के बाद वाइटल एंड एनवलप मैंने दिखाया था तुम्हें कहाँ पे होता है, वो वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद फिर स्पर्म का जो पैसेज होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, एग और स्पर्म का। इसके बीच में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, पर आई होप ये तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी कि ओवरऑल होने वाला क्या है। ओके, तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ लेते हैं। देखो एक बार ओवरव्यू पढ़ा देती हूँ, फिर एक एक करके स्टेप पढ़ेंगे और तुम्हारे दिमाग में सारा क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा स्पर्म था, ठीक है, स्पर्म कॉन्टेक्ट करा जेल, जैसे मतलब स्पर्म को पता चला पास में वो गया, जाने के बाद वो ऊपर वाली जो जेली लेयर होगा पहले वहाँ से कंबाइन करेगा, वहाँ से फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद वो एक्रोसोम की जो प्रोसेस है उनको रिलीज करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होता है, एक्रोसोम रिएक्शन हो जाएगी, फिर डाइजेशन ऑफ द जेली लेयर, मतलब जो ऊपर वाली जो जेली लेयर नहीं दिखाई थी मैंने, उसको डाइजेशन करना स्टार्ट करेगा, फिर वो वाइटल एंड एनवलप से बाइंड कर जाएगा। देखो ये रही तुम्हारी वाइटल एंड एनवलप, ठीक है, ये तुम्हारी एग जेली थी, इससे बाइंड कर गया, फिर ये वाइटल एंड एनवलप से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद अपनी जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो यहाँ पे छोड़ देगा और जो न्यूक्लियस होगा वो यहाँ पास में हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ना है हमें, कीमो अट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है, कीमो अट्रैक्शन पढ़ना है। अब कैसे पढ़ेंगे, देखो, अब स्पर्म का अट्रैक्शन कराना था। In many species, sperms are attracted towards the egg by their species by chemotaxis, that is following a gradient of a chemical which is secreted by the egg. ये बता चुकी हूँ, एक chemical जो होगा वो egg से secrete होगा। अब ये जो chemotaxid molecules होते हैं are different even in a closely related species, मतलब इतना species specific है, मतलब अगर एक species का नाम A है, ठीक है, अगर एक species का नाम A है और एक का नाम B है, तो अगर ये स्पीशीज ए अगर बी पे जाके बाइंड करना चाहेगी तो बाइंड नहीं कर पाएगी। माना जीनस एक है लेकिन अगर स्पीशीज भी अलग हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं तब भी वो मना कर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। एक जो स्पीशीज है जो कीमो अट्रैक्टेंट यूज़ कर रही है वो बहुत स्पेसिफिक रहेगा। इन सी अर्चिन द स्पर्म मोटिलिटी इज अक्वायर्ड ओनली आफ्टर द स्पर्म आर स्पॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो टेस्टिस में होते हैं, जब स्पर्म तुम्हारे टेस्टिस में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करा जाता है। वो जो पीएच होता है वो होता है 7.2 जो पीएच होता है वहाँ पे जो टेस्टिस हैं इस स्पर्म को स्टोर करके रखती हैं, ठीक है, और हाई CO2 कंसंट्रेशन होता है तो तुम्हारा पीएच आराम से मेंटेन रहता है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही तुम्हारे स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर में, अब वो रिलीज कहाँ हो रहे हैं, सी वाटर में रिलीज हो रहे हैं। सी वाटर में रिलीज हो रहे हैं मतलब तुम्हारा पहले जो पीएच था, 7.2 था, अब वो पीएच कितना हो गया है, वो पीएच हो गया है 7.6। अब क्या हुआ, पीएच तुम्हारा बढ़ गया। अगर पीएच बढ़ गया, अब तुम्हारे उस स्पर्म के पास आएगी पावर, वो क्या एक्टिवेट करेगा, वो तुम्हारे डायनिन एटीपीएस को एक्टिवेट करेगा। बता चुकी हूँ डायनिन एटीपीएस क्या करेगा, उसको एडीपी में कन्वर्ट करेगा और जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जो एनर्जी जो केमिकल एनर्जी थी अब वो कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है, उसको फ्लैजेला को मूव कराने में हेल्प करेगी। मतलब अब स्पर्म जो होगा बिगिन स्विमिंग विगरसली, वो तेज तेज स्विम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तेज तेज स्विम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है तुम्हारा स्पर्म का रिलीजिंग। यस, ये हो गया तुम्हारा स्पर्म का रिलीजिंग। अब ऐसी कौन सी चीज ऐसी थी जो स्पर्म को उस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रही थी कि मैं एग यहाँ पे है। देखो माना ये तुम्हारा पानी है सारा का सारा, एक सेकंड, ये तुम्हारा पानी पानी है सारा का सारा, तुम्हारा एग यहाँ पे है, तुम्हारा स्पर्म यहाँ पे है, ठीक है। अब तुम्हारा एग ने कीमो अट्रैक्टेंट यहाँ से भेजा, अब क्या करेगा, वो इससे आके बाइंड करेगा, वो इसको बाइंड करेगा और उसको डायरेक्शन देगा कि तुम्हें यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। अब वो क्या होता है, वो कौन सा कीमो अट्रैक्टेंट है जो रिलीज किया गया है एग के द्वारा। द डायरेक्शन ऑफ द स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय द स्मॉल कीमोटेक्टेड पेप्टाइड कॉल्ड स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड। एक स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स होती हैं, अब उनका नाम याद रखना है कौन सी है, स्पर्म एक्टिवेटेड पेप्टाइड का नाम है रीसेक्ट। क्या नाम है, रीसेक्ट। किसने रिलीज करी है, तुम्हारे एग ने रिलीज करी है। इट इज अबाउट 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड, 14 अमाइनो एसिड से बनी हुई एक पेप्टाइड है जिसका नाम है रीसेक्ट। नाउ
अगर रीजक की बात करती हूँ, इट इज स्पेसिफिक फॉर अरेबेसिया पंक्चुलेटा, तो ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है ये इसके लिए ये वाली मानी जाती है, ठीक है। तो याद रखना है रिसेप्टिव पेपर में आता है और कुछ नहीं आता है, तो ये चीज याद रखनी है। हाँ वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड। एंड डज नॉट अट्रैक्ट स्पर्म ऑफ अदर सी अर्चिन स्पीशीज, मतलब वो सिर्फ पंक्चुलेटा का वो करेगा, एक्टिवेट करेगा और किसी का भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब क्या होता है, अब होता क्या है देखो, फिगर के थ्रू समझते हैं। ये तुम्हारा रिसेप्ट हवा में था, पहले पानी में था, पानी में आने के बाद वो तुम्हारा रिसेप्ट जो है स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन से बाइंड कर गया। देखो ये तुम्हारा बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पे होता है आरजीसी। अभी आरजीसी क्या होता है, आरजीसी का मतलब है रिसेप्टर्स ग्वानोलाइन साइक्लेज, रिसेप्टर्स ग्वानोलाइन साइक्लेज। अब इतना मैं सिग्नलिंग पाथवे तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ कि अगर ग्वानोलाइन साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, तुम्हारी इस जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही सीजीएमपी कन्वर्ट होगा, एनो को रिलीज करेगा, उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा कैल्शियम का रिलीज हो जाता है। वो पूरा प्रोसेस होगा सिग्नलिंग वाला, यहाँ पे सीजीएमपी एक्टिवेट करेगा, फाइनली वो कैल्शियम आयन को जो चैनल्स होंगे उनको ओपन कर देगा, और जो पानी में जो मेरा कैल्शियम आयन था, जो पानी में मेरा कैल्शियम आयन था वो फ्लो कर जाएगा अंदर, कैल्शियम आयन आ जाएंगे अंदर, जिसकी वजह से जो स्पर्म होगा वो स्विम करने लग जाएगा, किसकी टुवर्ड्स, एग की तरफ वो मूव करने लग जाएगा। अब उसको पता चल गया मुझे कहाँ मूव करना था। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। When an extracellular side of the receptor bind the resac, it activates the guanylyl cyclase in the cytoplasmic side of the receptor. Activated guanylyl cyclase causes the sperm cell to produce more GMP that activate the calcium channels in the cell membrane of the sperm tail. स्पर्म की जो टेल में होगा वो मेरे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, ये जो इन्फ्लक्स होगा वो करेगा सी वाटर इनटू द टेल, मतलब वो मूवमेंट कराना स्टार्ट कर देगा एक एक टुवर्ड्स। तो ये होता है तुम्हारा कि तुम्हारा रीसेट आके बाइंड कर गया, वो मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। आई ये वाली चीज समझ में। दीज इंक्रीज इन द जीएमपी और कैल्शियम बोथ एक्टिवेट द माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी और उसको प्रोवाइड करेंगे एटीपी, और फ्लेजुलर मूवमेंट बढ़ जाएगा, प्रोपेलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। रीसेट फंक्शन एज अ स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड एज वेल एज स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड आल्सो, तो स्पर्म को अट्रैक्ट भी कर रही है, उसको एक्टिवेट भी कर रही है। तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ स्परेक्ट का है, नहीं समझ नहीं आया वीएस मुझे तुमने क्या बोला, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड है, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड है, स्परेक्ट तो कुछ नहीं है। नहीं बेटा वो तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे समझा देना मैं तुम्हें समझ लूंगी। अब एक्रोसोम रिएक्शन पे आते हैं। अब क्या हुआ कि तुम्हारा जो एग था, अगर तुम्हें इसको वाले फिगर को दिखाऊं यहाँ पे, अब जो तुम्हारा एग था ये इधर आ चुका है, स्पर्म यहाँ जो आ चुका है एग के पास में। अब इस एग के पास में आ गया मतलब अब कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तुम्हारी एक्रोसोम रिएक्शन होने वाली है, एक्रोसोम रिएक्शन होने वाली है। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा ये बोल रहे थे, द सेकेंड इंटरेक्शन बिटवीन द स्पर्म एंड द एग जेली रिजल्ट इन द एक्रोसोम रिएक्शन। अगर मैं सेकेंड इंटरेक्शन की बात करती हूँ, मतलब स्पर्म और एग जेली जो होते हैं, अब क्या करेंगे, वो जैसे ही बाइंड करेगा वो एक्रोसोम रिएक्शन करेगा। एक्रोसोम रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ द एक्रोसोम वेसिकल विद द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सोसाइटोसिस दैट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कंटेंट ऑफ एक्सोसोमल वेसिकल एंड द एक्सटेंशन ऑफ द एक्रोसोमल प्रोसेस। आई होप ये चीजें तुमने सुनी होंगी। क्या होता है, क्या होता है, एक तो तुम्हारा रिलीज होगा एक्रोसोम, एक तो तुम्हारी एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होती है, दो फंक्शन होते हैं, एक तो तुम्हारी एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होती है, सेकंड जो होता है एक एक्सटेंशन हो जाता है प्रोटीन का। देखो ये जो था मेरा ग्लोबुलर एक्टिन था, पहले इतना था, उसके बाद धीरे धीरे देखो कितना बढ़ गया, ये पूरा का पूरा बढ़ गया, मतलब एक्सटेंशन हो गया है तुम्हारे एक्टिन माइक्रोफिलामेंट का। तो दो काम होते हैं अगर एक्रोसोमल रिएक्शन होती है तो। अब एक्रोसोम रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड इन द एग जेली दैट बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेटेड डायरेक्टली अबव द एक्रोसोमल वेसिकल ऑन द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। देखो ये तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एग,
सॉरी स्पर्म हो गया, ये तुम्हारे एक्रोसोमल वेसिकल हो गए, ये तुम्हारी एग जेली थी, ठीक है, ये तुम्हारी एग जेली थी जिसके पास कुछ सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड थे। जैसे ही यहाँ पे आके बाइंड करता है, पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है इस पे जाके, ये क्या करता है, तुम्हारा एक्रोसोमल रिएक्शन शो कर देता है, वो रिलीज कर देता है अपनी प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स को। द एक्रोसोमल रिएक्शन इन द सी अर्चिन इज इनिशिएट बाय द कॉन्टेक्ट द स्पर्म विद द एग जेली, ठीक है। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा तुम्हारे सारे एक्रोसोमल वेसिकल्स का, मतलब जितनी भी तुम्हारी प्रोटीलाइटिक एंजाइम थी वो रिलीज हो जाएंगी और वो जो भी पाथ में आने वाले सबको डाइजेस्ट करती जाएंगी और जो मेरी जो स्पर्म है वो आगे मूव करता जाएगा। वंस द स्पर्म रीचेस द एग सरफेस द एक्रोसोमल प्रोसेस अधेयर टू द वाइटल एनवलप एंड टेदर टू द स्पर्म टू द एग, ठीक है। अब क्या होता है, द रिसेप्टर एक्टिवेट द थ्री स्पर्म मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो रिसेप्टर है जो मेरा उस पर प्रेजेंट था, एग जेली पे प्रेजेंट था और मेरे स्पर्म पे प्रेजेंट था, उसने तीन चीज़ों को एक्टिवेट करा। एक तो तुम्हारी कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल्स को एक्टिवेट करता है जो स्पर्म हेड पे होते हैं। सेकंड क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को करता है दैट पम्प्स द सोडियम आयन्स इनटू द स्पर्म, जिसकी वजह से स्पर्म में सोडियम आयन आ जाएंगे। अगर तुम मुझे बताओ, अगर इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन्स का तो क्या होता है, तुम्हारा डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड IP3, मतलब कैल्शियम को रिलीज करने वाला है, मतलब कैल्शियम भी रिलीज हो जाएगा फ्रॉम इनसाइड द स्पर्म, जिसकी वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से क्या होता है, जो एलिवेटेड कैल्शियम लेवल इन द रिलेटिवली बेसिक साइटोप्लाज्म ट्रिगर द फ्यूजन ऑफ द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन विद द एडजेसेंट स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। अब क्या मतलब हुआ इस चीज का, देखो पहले क्या था तुम्हारी, ये थी तुम्हारी स्पर्म सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये तुम्हारी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन थी, पहले ये फ्यूज नहीं रहती है। लेकिन क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, तुम्हारा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कैल्शियम आयन का रिलीज। ये कैल्शियम आयन रिलीज क्या करता है, तुम्हारी स्पर्म सेल मेम्ब्रेन को फ्यूज करा देता है एक्रोसोमल प्रोसेस से। और ये जो विंडन प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे, ये बहुत रेस्पॉन्सिबल होने वाली हैं, आगे मैं इसको पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। ये फ्यूज कर जाएंगे साथ में, जैसे ही आगे बाइंड करते हैं तुम्हारी एग जेली से बाइंड करेंगे, ये जो एक्रोसोम होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। ये रिलीज हो गए, रिलीज होने के बाद ये जो तुम्हारे एक्टिन फिलामेंट था ये एक्सटेंड हो जाता है, ये एक्सटेंड हो जाता है और इसकी जो लेयर पे तुम्हारी विंडन प्रोटीन आ जाती है जो जाके तुम्हारे रिसेप्टर से बाइंड करने वाली हैं। देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्रोसोम रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सटेंशन ऑफ द एक्रोसोमल प्रोसेस बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल्स इन द एक्टिन फिलामेंट। जैसे मैंने बताया कि जो तुम्हारा कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो तुम्हारी एक रो बी प्रोटीन होती है, अगर याद करना है तो वेल एंड गुड, वरना इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो रो बी प्रोटीन होती है एक्रोसोमल रीजन में एंड द मिड पीस ऑफ द स्पर्म, ये क्या करती है, ये तुम्हारा करा देती है पॉलीमराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलीमराइजेशन ऑफ अ एक्रोसोमल प्रोसेस, ठीक है, एक्रोसोमल प्रोसेस का पॉलीमराइजेशन करा देगी। तो पहले ये छोटा था लेकिन बाद में क्या हुआ, तुम्हारे कैल्शियम की वजह से ये पूरा पॉलीमराइजेशन हो गया, ये इतना बड़ा तुम्हारा क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। द एक्रोसोमल प्रोटीन मीडिएटिंग द रिकॉग्निशन द सी अर्चिन एज एन इनसॉल्युबल, मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं शो करती है, एक इतनी 30 किलो डेल्टन की एक प्रोटीन है जिसका नाम है विंडन प्रोटीन। ये क्या है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक विंडन प्रोटीन है। एक कौन सी स्पीशीज स्पेसिफिक पढ़ी थी मैंने पढ़ी थी रीसेट, और ये वाली कौन सी पढ़ी है, विंडन। ये क्या है, ये भी तुम्हारे स्पर्म के ऊपर है। रीसेट कौन ने रिलीज करी थी, एग ने रिलीज करी थी। ये जो विंडन होती है स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, जो तुम्हारे एग वाइटल एनवलप के जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पे जाके बाइंड करती है। किसके रिसेप्टर, एग वाइटल एनवलप के जो रिसेप्टर्स होंगे वहां पे जाके बाइंड करने वाली है। These binding receptors are thought to be aggregated into the complexes on the white line envelope. ये हम पूरा proper देखने वाले हैं। Yes, same, हाँ हाँ कृष्णा। देखो ये कैसे release होगा? अब इसने क्या करा? Acrosomal reactions को fuse करवा दिया होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा actin जो polymerization हो रहा था, कितनी बड़ी acrosomal process पूरी बढ़ गई। देखो बढ़ गई, extension हो गया। और इसने एग सेल मेम्ब्रेन पे देखो बाइंड कर लिया। यहाँ पे तुम्हारे एक्रोसोम रिएक्शन रिलीज होंगी, जैसे बाइंड करा रिसेप्टर से ये ग्रीन ग्रीन वाले तुम्हारे एक्रोसोमल रिएक्शंस निकल गई, ये एक्सटेंशन होने लग गया तुम्हारे फिलामेंट का, एक्टिन जो मॉलिक्यूल्स से वो पॉलीमराइज होने लग गए और जाके तुम्हारे एग वाइटल एनवलप पे जाके बाइंड कर जाएंगी, ठीक है, बाइंड कर जाएंगी।
ये हो गया तुम्हारा ये वाला प्रोसेस। अब आते हैं फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। अब क्या देखना है, हमें फ्यूजन देखना है एग और स्पर्म सेल मेम्ब्रेन का। वंस द स्पर्म हैज ट्रेवल्ड टू द एग एंड अंडरगोन द एक्रोसोम रिएक्शन, द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन विद द एग सेल मेम्ब्रेन कैन बिगिन। जब वो एक्रोसोम रिएक्शन हो गया तो तुम्हारा फ्यूजन होने का पूरा प्रोसेस होने वाला है। नाउ स्पर्म एग फ्यूजन अपीयर्स टू कॉज द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन, ये बता चुकी हूँ मैं, तो आई थिंक इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या कराना है, फ्यूजन कराना है। फ्यूजन इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफन मीडिएटेड बाय द स्पेसिफिक फ्यूसोजेनिक प्रोटीन्स। ये क्या करती हैं, जैसे बिंडिन है, बिंडिन जो है एक सेकेंड रोल प्ले करती है फ्यूसोजेनिक प्रोटीन की तरह, जो क्या करती है स्पर्म और एग का मेम्ब्रेन का फ्यूजन कराने वाली है। जो एग व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन पे, जैसे माना ये मेरी एग है, एग के व्हाइट लाइन एनवलप पे मेरे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जिससे कौन जाके बाइंड करेगा, जो मेरी बिंडिन प्रोटीन थी किसके ऊपर, ये मेरे स्पर्म के ऊपर जो बिंडिन प्रोटीन थी वो जाके यहाँ पे बाइंड करेंगी और एग यहाँ पे मूव कर जाएगा। ओके, ये वाले प्रोसेस होने वाली है। नाउ जब एक एग के साथ में जब एक स्पर्म फ्यूज करता है उसको बोला जाता है मोनोस्पर्मी। मतलब एक मोनो मतलब एक, स्पर्मी मतलब स्पर्म। तो एक स्पर्म जब एक एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो जो हैप्लोइड स्पर्म न्यूक्लियस कम्बाइंस विद द हैप्लोइड एग न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ, तुम्हारे एन ने एन के साथ फ्यूज करा, तुम्हारा जाइगोट बन जाएगा विच इज अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और जो क्रोमोसोम नंबर था वो रिस्टोर हो जाता है। ये जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है हम जानते हैं वैसे ही होता है। फिर क्लीवेज हो जाता है और जो सेंट्रल होता है वो स्पर्म को डिवाइड करने में हेल्प करेगा, और ये सारी जो प्रोसेस होनी होती है वो सब हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं है, कि जिसकी वजह से क्या होगा, मोनोस्पर्मी कभी कभी क्या होता है, इसमें पॉलीस्पर्मी होने के चांसेस होते हैं। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है, व्हेन नंबर ऑफ स्पर्म कैन बाइंड टू द वन एग। अगर एक एग से अगर बहुत सारे स्पर्म बाइंड कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर CSI UGC नेट के हिसाब से देखोगे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। द एंट्रेंस ऑफ द मल्टीपल स्पर्म इज नोन एज पॉलीस्पर्मी, इसको बोला जाता है पॉलीस्पर्मी, विच लीड टू द डिसास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक बात बताओ कि कोई एक इंसान का खाना था, ठीक है, कोई एक इंसान का खाना था, लेकिन क्या करा मैंने, उस एक खाने में से अगर मैंने बहुत सारे लोगों को डिवाइड कर दिया, तो क्या वो पर्टिकुलरली वो जिंदा रह पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, या क्या पर्टिकुलरली चीज़ें हो पाएंगी। माना कि मेरा एक फर्टिलाइज होके एक जायगोट बनता था, लेकिन अगर मेरे बहुत सारे अगर जाइड क्या न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड कर पाऊंगी, हो सकता है मेरा क्रोमोसोम का डिवीजन ही ढंग से ना हो। अगर क्रोमोसोम का डिवीजन ही ढंग से नहीं होगा तो सब क्या आ जाएंगी, डिसेबिलिटीज आ जाएंगी, डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी, तो इसकी वजह से कोई ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो जो पॉलीस्पर्मी होती है बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, डिजास्टर्स हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। सी अर्चिन में बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन बाय द टू स्पर्म रिजल्ट इन द ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस। यस, अगर दो स्पर्म फ्यूज करें, मतलब तीन बना दिया, ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया, एंड ईच सेंट्रल विल डिवाइड टू फॉर्म अ टू पोल्स ऑफ माइटोटिक एपरेटस इंस्टेड ऑफ द बाइपोलर, सेपरेटिंग द क्रोमोसोम इनटू द टू सेल्स। तो जो ट्रिप्लॉयड क्रोमोसोम होगा उसका डिवीजन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कहीं एक्स्ट्रा कॉपी चली जाएगी, कहीं कम रह जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदे गंदे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, डिजास्ट्रस इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब पढ़ते हैं पॉलीस्पर्मी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो मुझे पूछ सकता है, अभी मुझे अभी अभी बताओ, वरना फिर मैं तुम्हारी स्लो ब्लॉक और फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी स्टार्ट करने वाली हूँ। बताओ मुझे अभी अभी बताओ। आई थिंक वैसे फ्लो में चल रहा है। चलो अब एक बार देख लेते हैं कि पूरा चीज हुई क्या थी, हम इतना देख लेते हैं पहले कि क्या हुआ क्या था। देखो तुम्हारा ये था तुम्हारा प्रोटीन रिसेप्टर्स, इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये तुम्हारा जेली कोट है, देखो ये वाला है तुम्हारा जेली कोट,
एक्रोसोम आता है, ये तुम्हारा ये हो गया स्पर्म। स्पर्म आता है तुम्हारे एग जेली से बाइंड करता है, मैंने बताया था कि सल्फेट पॉलीसेक्राइड कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बाइंड करता है ये एक्रोसोम रिएक्शन यहाँ पे रिलीज कर देता है, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो थी इनको रिलीज कर देता है। रिलीज के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है, उसका एक्सटेंशन हो जाता है कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से, इन्फ्लक्स की वजह से ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो तुम्हारा एग है, एग क्या होगा अब अंदर जाएगा, सॉरी स्पर्म जो है वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। अब ये हम पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है, ये तुम्हारा आएगा स्लो ब्लॉक और फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं क्या होगा, वैसे नॉर्मल प्रोसेस बता देती हूँ क्या होता है। जो स्पर्म है जो तुम्हारा फ्यूज करेगा यहाँ पे, फ्यूज करने के बाद ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया था ये सारे के सारे क्या हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मतलब वाटर का इन्फ्लक्स करा देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली जो मेरी मेम्ब्रेन इतनी थी पहले, देखो इतनी मेम्ब्रेन थी मेरी, बहुत छोटा छोटा सा था, कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज कर देते हैं और वहाँ पर पूरा पानी पानी फिल कर देते हैं, पानी पानी फिल कर देते हैं। देखो पहले इतना स्पेस था, पहले से इतना स्पेस था, अब क्या करते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पानी रिलीज करवाते हैं, जिसकी वजह से स्पेस को इतना बढ़ा देते हैं। देखो इतना बढ़ा दिया उन्होंने स्पेस को, तो देखो यहाँ पे पहले इतना सारा स्पेस था, फिर धीरे धीरे देखो कितना बढ़ गया स्पेस, तो इतना जो फासला हो जाता है ना, इतना जो फासला क्रिएट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेरा एग का न्यूक्लियस ऑलरेडी आ चुका है, मुझे और एग की जरूरत, सॉरी स्पर्म का न्यूक्लियस आ चुका है, मुझे और स्पर्म की जरूरत नहीं है। तो इस फर्टिलाइजेशन एनवलप बनाने से क्या होता है कि मेरा और जो स्पर्म होगा वो फ्यूज नहीं कर पाएगा, वो फ्यूज नहीं कर पाएगा, दूसरे स्पर्म रिलीज नहीं हो पाएंगे, मतलब उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत रिक्वायरमेंट होती है इनकी, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी को ये प्रिवेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो पूरा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन ये ओवरऑल तुम्हारा पूरा का पूरा होता है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस पहुंचेगा, यहाँ पे तुम्हारा एग, जो एग का प्रो न्यूक्लियाई वो होगा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे और तुम्हारा जायगोट फॉर्म कर देंगे। अब आते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में। फास्ट ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हें पता होना चाहिए, फास्ट मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो चीजें होती हैं वो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होती हैं। अब क्या होता है कि तुम्हारा एग आके बाइंड कर गया, ठीक है, एग सॉरी एग से स्पर्म आके बाइंड कर गया। अब वो बाइंड कर गया मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज़ किसी और की विसिनिटी में आती है, जैसे अगर तुम्हारे घर पे कोई भी आता है तो तुम्हारा अननोन है, क्योंकि स्पर्म उसको नोन तो था नहीं, अगर कोई आता है तुम्हारा कोई तो रिएक्शन आता है, वो तुम्हारा क्या होता है, इंस्टेंट रिएक्शन आता है। हो सकता है तुम खुश हो सकता है तुम दुखी हो सकते हो, तो इंस्टेंट रिएक्शन आएगा, इसको बोला जाता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसमें क्या होगा कि जैसे तुम्हारा चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द एग सेल मेम्ब्रेन दैट अकर्स इमीडिएटली अपॉन द स्पर्म एंट्री, मतलब स्पर्म ने तुम्हारे घर में एंट्री मारी, स्पर्म आ गया तुम्हारे एग के गेट पे, जैसे ही एग के गेट पे आएगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो खुश हो जाए, हो सकता है वो दुखी हो जाए, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि देखो, once a sperm has fused with the egg, the soluble material from the sperm, that is NADP, act to change the egg cell membrane. उसके पास NADP होते हैं जो, जिसकी वजह से egg cell membrane का कुछ electrical potential change हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, sodium channels are closed, thereby preventing the entry of the sodium ions into the egg, and egg cell membrane maintain a electrical voltage gap between the interior of the gap of the egg and its environment. देखो क्या होता है, आई होप ये वाला दिख रहा होगा सबको। यहाँ पे क्या हुआ, पहले मेरा स्पर्म की एंट्री नहीं होती, बिफोर द एडिशन ऑफ द स्पर्म द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एग सेल मेम्ब्रेन इज अबाउट -70 mb। पहले मेरा -70 mb था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, कुछ चेंज नहीं था। स्पर्म ऐड हुआ, स्पर्म की जैसी ही एंट्री होती है तुम्हारे एग में, जैसी एंट्री होती है तुम्हारे एग में, विद इन 1 to 3 seconds आफ्टर द फर्टिलाइजिंग द स्पर्म एंटर द पोटेंशियल शिफ्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पहले क्या था, -70 mb था, अब कितना हो गया, +20 mb। अब मुझे बताओ, अगर मेरा +20 mb हो गया, लेकिन स्पर्म कब आ रहा था, जब -70 mb था, तो क्या मेरा स्पर्म अब आ पाएगा, अब क्या मेरा स्पर्म बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस पोजीशन हो रखी है, लेकिन मुझे तो माइनस में आना चाहिए था, लेकिन अब तो प्लस हो गया। तो ये लेकिन होता 1 to 3 seconds के लिए है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो इतना प्रिवेंटिव क्योर नहीं है, ये बहुत अच्छा क्योर नहीं है किसी भी पॉलीस्पर्मी को रोकने का, तो इतना अच्छा कोई क्योर नहीं है, लेकिन हाँ इतना होता है कि इसकी वजह से पॉलीस्पर्मी कुछ हद तक रुक जाती है। तो ये होता है तुम्हारा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी।
देखो द रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल इज जनरली अबाउट -70 MB विच इज एक्सप्रेस्ड एज -70 MB बिकॉज द इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द एक्सटीरियर. ये तुम्हारा -70 MB हो गया, ठीक है. विद इन 1 to 3 seconds आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, अब क्या करा, स्पर्म में तुम्हारे बाइंड करा. बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो -70 MB था वो +20 MB तक आ जाएगा. अभी +20 MB तक आ गया मतलब स्पर्म कैन नॉट फ्यूज विद द एक्सेल मेम्ब्रेन दैट हैव अ पॉजिटिव रेस्टिंग पोटेंशियल. तो स्पर्म तो माइनस पे बाइंड करने वाला था, लेकिन जो मेरे दूसरे वाले जो स्पर्म रास्ते में खड़े थे कि मैं भी बाइंड करूंगा, सब अपने राह देख रहे थे, अब कैसा हो गया, प्लस हो गया, +20 MB हो गया. तो क्या बाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. 1 to 3 seconds के लिए पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, तब तक इन लोगों की इतनी लाइफ नहीं होती कि एक सेल मेम्ब्रेन के साथ इतना फ्यूज कर पाए, इतना टाइम ले पाए. लेकिन फिर भी इतना प्रिवेंटल क्योर नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ तो अपनी कोशिश कर रहा है वो. सो दैट शिफ्ट means that no more sperm can fight. मतलब कोई और स्पर्म आके ये जितने भी ये वेट में बैठे हुए थे ना कि मैं भी बाइंड करूंगा, ये सब बाइंड नहीं कर पाएंगे. सिर्फ एक जो स्पर्म जिसने बाइंड कर दिया, जिसने पोटेंशियल चेंज कर दिया, बस वही कैपेबल है अंदर जाने के. ओके, ये होता है तुम्हारा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. क्या हो रहा है, सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है. तुम्हारा पोटेशियम आयन का जो वो था -70 MB से +20 MB जा रहा है, जो तुम्हारा सारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो सारा चेंज हो रहा है यहाँ पे. ये चीजें होती है तुम्हारी फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी की, अगर मैं बात करती हूँ. अब आते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरी टाइम दे हैव आस्क्ड यू अबाउट स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं क्वेश्चन में जो सिंपल क्वेश्चन होगा और तुम मॉडिफिकेशन में घूम जाते हो. तो याद रखना है, मॉडिफिकेशन में घूमना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखना है कि कहीं से भी घुमाएगा तुम्हें घूमना नहीं है. ओके, चलो पढ़ते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. आई होप तुम्हारे दिमाग में जा रहा होगा. देखो तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि क्या होता है यहाँ पे, ये -70 MB हो गया, ये -50 MB हो गया. जब तुम्हारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MB था, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया ओपन, ठीक है. ये तुम्हारा +20 MB तक जा रहा है, मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है, तुम्हारा डीपोलराइजेशन हो रहा है, +20 MB तक जा रहा है. इस प्लस पे कोई आके स्पर्म आके बाइंड नहीं करेगा, स्पर्म पे आके कोई भी बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए होता है. उसके बाद से सोडियम चैनल्स क्लोज कर दिए जाते हैं. इसके बाद सोडियम चैनल्स 1 to 3 seconds के लिए ओपन होंगे, 1 to 3 seconds के लिए. यस, अब आते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी पे. द स्पर्म रिमूवल इज अकम्प्लिश्ड बाय द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्लो ब्लॉक पूछा जाता है तो मैं याद रखना है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है उनका मेन रोल होने वाला है यहाँ पे उस रिएक्शन में, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में. डायरेक्टली बीनीथ द सी अर्चिन एग सेल मेम्ब्रेन आर अबाउट 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. ये बता चुकी हूँ इतने सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं. अपन द स्पर्म एंट्री द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द एग सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज द कंटेंट इनटू द स्पेस बिटवीन द एग सेल मेम्ब्रेन एंड द फाइब्रस मैट ऑफ द वाइटनाइल एनवलप प्रोटीन. ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि जैसे ये जो मेरे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, देखो आई होप ये दिख रहा होगा. मैं एक बार हाइड करती हूँ खुद को और फिर तुम इसको देखो. आई होप मैं हाइड हो गई होंगी तुम लोगों को. ये देखो एक बार, ये सरफेस ऑफ द एग बिफोर द स्पर्म एंट्री. ये देखो, ये मेरा ये वाइट लाइन एनवेलप था, ये मेरा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे. कितना कम स्पेस था, देखो इतना इतना सा स्पेस बचा हुआ है. लेकिन क्या होता है, जैसे तुम्हारा आफ्टर द स्पर्म एंट्री द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स डिस्चार्ज एंड द वाइट लाइन मेम्ब्रेन इज रेज्ड. तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स डिस्चार्ज हो गए. देखो ये जो ब्लू वाले ना, स्काई ब्लू वाले, ये रिलीज होने लग गए. कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मटेरियल एंड द वाइट लाइन एनवलप फॉर्म्स अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. ये तुम्हारी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने लग गई है ना, ये जो ब्लू ब्लू वाली है ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने लग गई. और क्या होता है, रिमेनिंग कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मटेरियल्स फॉर्म द हाइलन मेम्ब्रेन. और धीरे धीरे क्या होता है, स्पेस इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे जिन्होंने फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना दी और एक बना दी तुम्हारी हाइलन लेयर. तो दो चीजें बना दी हैं तुम्हारी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना दी है और हाइलन लेयर बना दी है. ये होता है तुम्हारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का पूरा रिएक्शन. यस, तो क्या है, सेवरल प्रोटीन्स आर रिलीज्ड बाय द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस. वन ऑफ दीज द एंजाइम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सीरीन प्रोटीएसेस क्लीव्स द प्रोटीन पोस्ट दैट कनेक्ट द व्हाइट लाइन एनवलप प्रोटीन टू द एग सेल मेम्ब्रेन. इट क्लिप्स ऑफ द बिंडिन रिसेप्टर एनी स्पर्म अटैच्ड टू देम.
क्या करेगी, पहले तो ये बहुत सारी सीरीन प्रोटीज रिलीज करती है, अभी समझाने वाली हूँ आगे, डोंट वरी। बहुत सारी सीरीन प्रोटीज रिलीज करती है जो क्लीव कर देती हैं जो भी प्रोटीन जो कनेक्ट होती हैं। मतलब अगर मैंने माना ये मेरी वाइटन एनवलप थी, यहाँ पे मेरे स्पर्म थोड़े बहुत आके यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे, तो ये क्या करते हैं, इन सबको रिमूव कर देगी, सबको रिमूव कर देगी, सबको हटा देगी वहाँ से, और तुम्हारे जो विंडन प्रोटीन जो क्लिप जो उस पर प्रेजेंट था उसको भी क्लिप ऑफ कर देती है। जैसे कपड़े पे से तुम वो नहीं निकाल देते हो, क्लिप निकाल देते हो, वैसे उसको भी क्लिप ऑफ कर देती है। सो द कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाइंड टू द विटामिन एनवलप टू फॉर्म अ फर्टिलाइजेशन एनवलप, अभी जो दिखाया मैंने, एंड स्टार्ट टू द फॉर्म। कैसे होता है देखो, अगर मेरा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज हुआ है ना, फर्टिलाइजेशन एनवलप कैसे बनता है, एक बार बनेगा वो पूरा का पूरा ऐसे बन जाता है, उसके आसपास पूरा का पूरा ऐसे बना देता है फर्टिलाइजेशन एनवलप को। अब देखते हैं कैसे होगा पूरा का पूरा। देखो दिस प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर 20 सेकेंड, 1-3 सेकेंड्स में तो वो वाला हो गया तुम्हारा, 20 सेकेंड के बाद में होता है तुम्हारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल वाला रिएक्शन। आफ्टर द स्पर्म अटैचमेंट इज कम्प्लीटेड बाय द फर्स्ट मिनट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एक मिनट में सब कुछ कम्प्लीट हो जाता है। तुम्हारी सारी पॉलीस्पर्मी को ब्रेक करने का सारा इनका जिम्मा होता है, वो उठाते हैं और इसको ढंग से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हाँ कृष्णा, क्वेश्चन भी करवाऊंगी, एक्चुअली थोड़ा हो सकता है कि टाइम लग जाए, 15 या 20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, तो अगर किसी को जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देख लेना, पर क्वेश्चंस कराना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर तो मैं समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, और फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम्हें क्वेश्चन तुमने ये समझा है कि नहीं समझा है, वरना पूरा वेस्ट जाएगा मेरा पूरा जितना भी टॉपिक है। तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती कि तुम्हारा ऐसे छोड़ दूँ बिना उसके, तो क्वेश्चन तो कराऊंगी मैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है कुछ भी, मतलब अगर किसी को जाना है कोई काम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देख लेना वीडियो। हाँ तो चलो पढ़ाई करते हैं ये वाली। दीज विस्कस कंपाउंड एब्जॉर्ब वाटर टू एक्सपेंड द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द फर्टिलाइजेशन एनवलप, सो दैट द एनवलप मूव्स रेडली अवे फ्रॉम द एग। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, वो अंदर पानी वाटर जो है उसका मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्पेस है वो इतना बढ़ जाता है। नाउ फर्टिलाइजेशन एनवलप इज देन स्टेबलाइज्ड बाय द क्रॉस लिंकिंग एडजेसेंट प्रोटीन थ्रू द एग स्पेसिफिक परोक्सीडेज एंजाइम। ये अभी थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले ये चीज हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखो ये तुम्हारा स्पर्म आया, आई थिंक मैं इसको हाइड करती हूँ खुद को फिर से। ये तुम्हारा स्पर्म आया, स्पर्म आने के बाद तुम्हारा ये बाइंड कर गया तुम्हारे वाइटलाइन एनवलप से। जैसे ही बाइंड करता है, ये क्या है, मेरे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, जैसे ही बाइंड करता है तो ये जो मेरे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये एक चीज यूज रिलीज करते हैं, दैट इज CGSP, याद रखना है ठीक है, ये CGSP रिलीज करते हैं। इसका काम क्या होता है ये देखो, एक सेकेंड। हाँ, एज अ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अंडरगो एक्सोसाइटोसिस दे रिलीज अ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीरीन प्रोटीएजेस, मतलब CGSP, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीरीन प्रोटीएजेस। अब प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन के लिंकिंग को हटाएंगी, एन एंजाइम दैट क्लीव्स द प्रोटीन लिंकिंग द वाइटन एनवलप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उन सबको हटा देंगे जो उसके मेम्ब्रेन से बाइंड करा हुआ था। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड रिलीज होगा तुम्हारा म्यूकोपॉलीसेक्राइड। इसका क्या रीजन होता है, द रिलीज बाय द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्रॉम एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये क्या बनाएंगे, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाएंगे जिसकी वजह से वाटर की एंट्री करा देंगे इनटू द सेल, और जिसकी वजह से स्वेल अप कर जाएगा स्पेस बिटवीन द वाइटलाइन एनवलप एंड द सेल मेम्ब्रेन। देखो ये CGSP रिलीज हुआ, ये CGSP ने क्या करा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लगी हुई थी, जो भी प्रोटीन लगी थी उनको हटवा दिया। सेकेंड क्या हुआ, सेकेंड मेरा यहाँ पे वाटर का मूवमेंट करा दिया बाय द म्यूकोपॉलीसेक्राइड। म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या करेंगे, इस वाटर का मूवमेंट करा देंगे। और देखो पहले स्पेस कितना था, पहले इतना सा स्पेस था, अब वो स्पेस बढ़ता जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, द एंजाइम द UDX1, ये जो UDX1 एंजाइम होती है वो फॉर्मर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल मेम्ब्रेन कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड द सबस्ट्रेट फॉर सोल्यूबल ओवर परऑक्सीडाइज। मतलब तुम्हारे पास एक ओवल परऑक्सीडाइज, एक सोल्यूबल ओवर परऑक्सीडाइज एक मॉलिक्यूल होता है जिसको एक्टिवेशन के लिए चाहिए H2O2, और H2O2 कौन लेके आता है, UDX1 जो होता है इसको एक्टिवेट कर देता है। अब OVOP का मतलब क्या होता है, ये ट्रांसग्लूटामिनेज के साथ में मिलके ये हार्ड कर देती है उस वाइटलाइन एनवलप को, कि जिसकी वजह से कोई और ना आ पाए, और उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन एनवलप। देखो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा इस UDX1 ने क्या करा, इस UDX1 ने तुम्हारा H2O2 को रिलीज करा। इस H2O2 क्यों चाहिए था, इस OVOP को चाहिए था,
और ये ओवीओपी ट्रांस ग्लूटामिनेज के साथ में मिलके क्या करेगी, इसको हार्ड कर देगी, इसको हार्ड कर देगी और क्या बना देगी, फर्टिलाइजेशन एनवलप बना देती है। तो देखो अगर माना ये मेरा था एग, एग था यहाँ पे, स्पर्म ने एंट्री करी, इसके बाद यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे, ये बना देंगे तुम्हारे फर्टिलाइजेशन एनवलप, ऐसे ऐसे करके ये 20 सेकेंड में, ये कुछ सेकेंड में ये पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा। और जितने भी स्पर्म अगर घुसने की कोशिश करेंगे, वो इतना हार्ड होता है कि कोई भी इसमें घूर नहीं सकता, कोई भी इसमें मूव नहीं कर सकता। तो ये होता है तुम्हारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन और द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ओके, अब इसको पढ़ो, अब इसको समझ में आएगा तुम्हारा। द फर्टिलाइजेशन एनवलप इज देन स्टेबिलाइज बाय द क्रॉस लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट प्रोटीन्स थ्रू द एग स्पेसिफिक परोक्सीडेज एंजाइम एंड द ट्रांस ग्लूटामिनेज एंजाइम। ये क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा हार्ड कर देते हैं, उसको स्टेबिलाइज कर देते हैं, किसको, फर्टिलाइजेशन एनवलप को। द एग एक्सटेंड इलोंगेटेड माइक्रोविलाई हूज टिप्स अटैच टू द हाइलल लेयर व्हिच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ब्लास्टोमियर ड्यूरिंग क्लीवेज। ये सब बता चुकी हूँ। ये रहा तुम्हारा क्या, ये रहा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये वाली जो है एनवलप, और ये हो गई तुम्हारी हाइलन लेयर। ठीक है, ये तुम्हारी हाइलन लेयर हो गई जो तुम्हारे क्लीवेज में हेल्प करने वाली है। नाउ अपॉन फर्टिलाइजेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री कैल्शियम आयन इन द एग साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस ग्रेटली, और इस हाई कैल्शियम एनवायरमेंट में कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स हो जाते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं एक्सेल मेम्ब्रेन के और रिलीज कर देते हैं अपना कंटेंट। ये सब मैं समझा चुकी हूँ, आई थिंक ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी कि क्या पूरा प्रोसेस होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ये वाला डायग्राम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा स्लो ब्लॉक जो होता है वो इसमें पूरा का पूरा समा जाता है। आया सबको समझ में? देखो अब ये कैसे होगा, ये स्पर्म आके बाइंड करा, तुम्हारा स्पर्म ने आके बाइंड करा, बाइंड करने के बाद देखो ये बाइंड कर गया तुम्हारी मेम्ब्रेन से, वाइटल एनवलप से बाइंड कर गया, अपना रिलीज करेगा कंटेंट, देखो रिलीज कर दिया इसने। ये जो ये है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऐसे फ्यूज कर जाएंगे और तुम्हारे फर्टिलाइजेशन एनवलप बना देंगे। ठीक है, और ये पूरा स्पेस तुम्हारा क्रिएट कर दिया उन लोगों ने। ये होता है तुम्हारा रिएक्शन अगर मैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी की बात करती हूँ तो। आई होप ये तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये थोड़ा एक ओवरव्यू और है कि कैसे काम कर रहा था वो कैल्शियम आयन की वजह से। अगर क्वेश्चन इससे आता है तो आई थिंक क्वेश्चन इससे नहीं आता है, तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल वाला क्वेश्चन आता है, और मतलब कैसे काम करता है वो चीज़ें आती हैं, पर फिर भी एक बार ये पढ़ लो कि बाई चांस अगर इससे कुछ आ जाता है तो तुम इसको ध्यान रखोगे। देखो क्या होता है कि तुम्हारे स्पर्म ने आके बाइंड करा, फॉस्फोलाइपेज सी जो होता है जिससे मैंने तुम्हें बताया था आई पी थ्री को एक्टिवेट करेगा, आई पी थ्री कैल्शियम को रिलीज करेगा। ये कैल्शियम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम यहाँ पे, ये देखो कैल्शियम इंक्रीज होगा, सोडियम आयन्स कि इन्फ्लक्स हो जाएगा, इन्फ्लक्स होने के बाद एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी और तुम्हारे जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस है वो हो जाता है और एग का एक्टिवेशन हो जाता है फाइनली। तो कैल्शियम और सोडियम आयन दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, कैल्शियम और सोडियम आयन, तो ये हो गया तुम्हारा ये वाली चीज। यस, चलो ठीक है। हाँ, अगर आई थिंक 4:57 हुए ना, तो अभी 15-20 मिनट में खत्म, आई थिंक 15 मिनट भी शायद ना लगे। द फ्यूजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द सी अर्चिन की अगर बात करती हूँ, लेकिन आज ये पूरा टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तो आई थिंक तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली इसको दोबारा से, एक बार रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। आफ्टर द स्पर्म एंड द एग सेल मेम्ब्रेन फ्यूज द स्पर्म न्यूक्लियस एंड इट्स सेंट्रलो सेपरेट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फ्लैजेला। ये आफ्टर द प्रोसेस है, मतलब वो दोनों बाइंड कर गए हैं, जब बाइंड करता है कोई भी स्पर्म और जिसे स्पर्म ये रहा, ठीक है, ये तुम्हारा एग हो गया, ये एग का प्रो न्यूक्लियाई हो गया, देखो ये एग का प्रो न्यूक्लियाई हो गया, ये स्पर्म हो गया। जैसे ही बाइंड करता है तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो रिलीज हो जाता है, वो इधर आ जाता है और अपने फ्लैजेला को रिमूव कर देगा, अपने माइटोकॉन्ड्रिया का, मतलब ये होता है जो लोग उसको साथ में लेके आए, इतना दूर तक साथ में लेके आते हैं, वो उनको छोड़ देता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोलता है कि तू भी जा और सेंट्रल को भी बोलता है तू भी जा, मैं अपने सिर्फ न्यूक्लियस से काम चलाऊंगा, मतलब जो ब्रेन है उसका उससे काम चलाता है और ये फीमेल के प्रो न्यूक्लियाई से बाइंड कर जाएगा। ओके, तो बेचारे माइटोकॉन्ड्रिया फ्लैजेलम तो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं क्योंकि उसके बिना तो उनका कोई काम ही नहीं था, तो उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये बहुत सैड वाली स्टोरी लग रही है पर ये ऐसे याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इन द सी अर्चिन एग्स अकर आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद में होता है। मैं यहाँ पर तुम्हें क्लीवेज नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि क्लीवेज कैसे होने वाला है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मिया ये बढ़ाने वाली थी। सो देयर इज ऑलरेडी अ हैप्लॉइड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट व्हेन द स्पर्म एंटर्स द एग साइटोप्लाज्म।
वंस इनसाइड द एग, जैसे वो स्पर्म एग के इनसाइड में आता है, जो एग होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है अपने आप को, तो जो वो जिस स्टेज में रुका हुआ था वो आके उसमें चेंज आता है, ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। द स्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एज इट डीकंडेंसेस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड मेल प्रो न्यूक्लियस। जो उसके अंदर जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो डीकंडेंस्ड हो जाता है और अपना प्रो न्यूक्लियर रिलीज कर देता है। द स्पर्म न्यूक्लियस सेपरेट फ्रॉम द टेल, ये तो तुमने देख लिया, एंड रोटेट 180 डिग्री सो दैट स्पर्म सेंट्रियोल इज बिटवीन द डेवलपिंग मेल प्रो न्यूक्लियाई एंड एग प्रो न्यूक्लियाई। उसके बाद सेंट्रियोल को भी रिमूव कर दिया जाता है और दोनों फर्टिलाइज कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों आपस में इंटीग्रेट कर जाएंगे। द माइक्रोट्यूबुल, ये तो इतना आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफ्यूजन फॉर्म्स द डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस बना दिया जाएगा, और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हैज बीन रिमूव्ड, और सी अर्चिन जो होगा अब वो दोबारा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। वसीम, ये बेटा उसका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है। ये इसलिए टॉपिक क्योंकि ना फ्राइडे को मतलब एक स्पेशल चीज करनी होती है, तो मुझे लगा ये वाला टॉपिक ना बहुत इम्पोर्टेंट भी है और एक दिन में होने वाला भी था। ये वाला टॉपिक ज्यादा ज्यादा टाइम वेस्ट लेने वाला नहीं था, तो ये एक दिन में टॉपिक हो जाता है 1 घंटे में। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला जो टॉपिक होगा तुम्हारा ये कवर हो जाएगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, तो अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो तुम्हारा छूटेगा नहीं। ठीक है, हाँ, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट का टॉपिक है। और अगर तुम क्वेश्चंस देखोगे तुम्हें इजीली क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके, सी अर्चिन वाले। सी अर्चिन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसका स्लो ब्लॉक टू और स्लो ब्लॉक हो गया, फास्ट ब्लॉक हो गया, पॉलीस्पर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैंने ये आज करा दिया। तो जो तुम्हारा रेगुलर चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, जो कल जो क्लास होने वाली है वो तो होगी, एक संडे को और एक फ्राइडे को, है ना, एक संडे को फ्राइडे को अलग चीजें होती हैं। तो संडे को जो होने वाला है तुम्हारा, वो जो मैंने तुम्हें बताया था कि 12 बजे तो तुम्हारी क्लास लेने वाली हूँ कि आफ्टर एमएससी या फिर बीएससी करना क्या चाहिए, वो वाली क्लास लेने वाली हूँ। और जो 4 बजे आएगी वो तुम्हारी क्लीवेज पे क्लास आएगी, क्लीवेज वाली जो क्लास आएगी उस पे आएगी। हाँ, तो क्लीवेज पे क्लास आने वाली है तुम्हारी, तो संडे और फ्राइडे थोड़ा अलग रहता है और नॉर्मली रेगुलर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखो कैसे हो रहा है सारी चीजें, तुम्हारा ये एनओएस एक्टिवेट मतलब क्या हुआ, तुम्हारा सीजीएमपी वाला एक्टिवेट हो गया है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज हो गए, फ्यूज कर गया, कैल्शियम रिलीज हो गया यहाँ पे, ये सारा तुम्हारा प्रोसेस होता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। यस, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या क्या हुआ है सारा का सारा। देखो, रिसेप्टर प्रोटीन थी तुम्हारी, है ना, इन द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट द सी अर्चिन जेली कोट। ठीक है, जैसे ही कॉन्टेक्ट करती है कॉजेज द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन टू डिसॉल्व रिलीजिंग द एक्रोसोमल एंजाइम, वो रिलीज हो जाती है। उसके बाद सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम चैनल जितने ऊपर होंगे तुम्हारे क्या करते हैं, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी करते थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब वो दोबारा से बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव वाले चार्ज पे नहीं बाइंड कर सकता, नेगेटिव वाले चार्ज पे बाइंड कर सकता था, ये वाला बता दिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या है, स्पर्म बाइंडिंग और द फ्यूजन ऑफ द एग सेल मेम्ब्रेन, आई थिंक इसको पढ़ लो एक बार। सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, इन्फ्लक्स होने के बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है, कहाँ पे पहुंच जाता है, +20 MB पे पहुंच जाता है, और तुम्हारी फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हो जाती है। सेकेंड इज फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है तुम्हारा, IP3 होगा, कैल्शियम रिलीज होता है। ये कैल्शियम जो रिलीज होता है वो तुम्हारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक्सोसाइटोसिस भी कराता है, एक्टिवेशन कराता है एनएडी पॉजिटिव काइनेज की, और डिग्रेडेशन कराता है साइक्लिन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ मैप काइनेजेस। तो ये तुम्हारा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इतना वाला नहीं पूछा जाता, अगर तुम इतना भी ग्राफ पढ़ के जाओगे बहुत इनफ है। एक सेकेंड, खुद को हाइड करती हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे रीस्टोरेशन ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन की बायोसिंथेसिस कराने में हेल्प करेंगे, इसको याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो ये फर्टिलाइजेशन से थोड़ा इतना ज्यादा वो नहीं है। जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो तुम्हारे स्लो ब्लॉक करेंगे पॉलीस्पर्मी को, और हाइलिन लेयर बनाते हैं, जो तुमने दिखाई थी हाइलिन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है, प्रोटीन काइनेज सी एनए पॉजिटिव और एच पॉजिटिव एक्सचेंज को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जो तुम्हारे पीएच को इंक्रीज कर देता है। ये पीएच इंक्रीज करने का क्या फायदा होता है, तुम्हारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है, तुम्हारे जो डीएनए रेप्लिकेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, उन सबको बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारे काम जो है, अगर तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस चार्ट को देख के जाना कि कौन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको देख के जाना।
अब डीपोलराइजेशन हो गया, ये तो मैंने बता दिया आई थिंक, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि कैल्शियम आके बाइंड करेगा, एक्टिन सब यूनिट्स भर जाएंगे, उस पर बिंडिन प्रोटीन्स होंगी, वो तुम्हारी वाइट लाइन एनवलप से जाके बाइंड कर जाएंगे, जैसे बाइंड करेंगे तुम्हारा पहले फास्ट ब्रॉक प्रोलिस्पमी होता है, फिर क्या होगा तुम्हारी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज हो जाएंगे 20 सेकंड्स बाद, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा स्लो ब्रॉक पॉलिस्पमी हो जाएगा, तो ये सारा प्रोसेस आई थिंक दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, तो ये सब हो गया। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर जो देने वाले हो तुम लोग देने वाले हो, मैं बिल्कुल कोई भी आंसर नहीं एक्सप्लेन करूंगी। यस आंसर करो इसका, आई होप तुम लोगों को समझ में आएगा तो आंसर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखो वट इज अ कॉर्टिकल रिएक्शन एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर ए ऑप्शन देखते हो तो इसमें क्या है, इसमें है द कॉर्टिकल रिएक्शन इज द फ्यूजन ऑफ द एग कॉर्टेक्स एंड द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये है, क्या ये तुम्हारी कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, तो बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। आशुतोष बी, द कॉर्टिकल रिएक्शन इज द एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन इन टू द एग विच इनिशिएट द डेवलपमेंट। ये कॉर्टिकल रिएक्शन है, ये कॉर्टिकल रिएक्शन है, ये बिल्कुल गलत है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, कॉर्टिकल रिएक्शन पूछा है, उसका इम्पोर्टेंस पूछा है। तुम नीचे जाओ, तुम्हें मतलब नीचे वाले ऑप्शंस पढ़ो। द कॉर्टिकल रिएक्शन इज द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, चलो ठीक है। ड्यूरिंग द एग मैच्योरेशन, क्या एग मैच्योरेशन के टाइम पे प्रोसेस हो रही है ये, क्या तुम्हारे एग मैच्योरेशन के टाइम पे प्रोसेस हो रही है और जोना पेलिसिडा पे हो रही है, ये तो बिल्कुल गलत था, सी वाला तो बिल्कुल गलत है। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कृष्णा, वेरी नाइस। द कॉर्टिकल रिएक्शन इज अ डीपोलराइजेशन, कॉर्टिकल रिएक्शन में कब डीपोलराइजेशन होता है, वो तुम्हारी फास्ट ब्लॉक पॉलिस्पमी में होता है। जब मैं फास्ट ब्लॉक पॉलिस्पमी कराती हूँ वहाँ डीपोलराइजेशन होता है, वहाँ सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कॉर्टिकल रिएक्शन की, कॉर्टिकल रिएक्शन कब होती है, स्लो ब्लॉक पे होती है, स्लो ब्लॉक टू पॉलिस्पमी, जब तुम्हारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जब बाइंड कर जाते हैं, ये कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। The cortical reaction is the release of the cortical granules. Cortical granules release हो जाएंगे after the sperm entry, which converts the vitamin membrane into the fertilization membrane, which blocks the polyspermy. पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम्हें तुम्हें सिर्फ definition बतानी थी पूरे उस पूरे graph की। Very good पल्लवी, very good। तो answer तुम्हारा E होने वाला है। Please ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। Next question दे रही हूँ, please ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिद वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ रैपिड ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी ड्यूरिंग अ सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन। इसमें रैपिड ब्लॉक पूछा है, मतलब क्या है, फास्ट ब्लॉक पूछा है। फास्ट ब्लॉक कब होता था, जब मेरे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा था और डीपोलराइजेशन हो रहा था, ठीक है। तो वेव ऑफ कैल्शियम रिलीज, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, ये तो गलत हो गया। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कब आते, जब मैं बात कर रही थी स्लो ब्लॉक की, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला देखो, डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, यस, जब मेरी एग मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलिस्पर्मी,
फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवलप कौन बनाता है? स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बनता है, तो ये भी गलत हो गया। एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज, ये भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी योर सी। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड आशुतोष, ये क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन कितने इजी इजी आए हुए हैं, तुम थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, अगर एक बार रिवाइज कर सकते हो दोबारा इसको पढ़ के रिवाइज कर लेना, और थोड़ा बहुत लिख लेना कॉपी में, और फिगर्स के स्क्रीनशॉट ले लेना। आज मैं ना तुम लोगों पे पूरा डिपेंड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत वो करा है कि तुम लोगों को समझ में आए सब चीज़ें, तो आज मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। क्यू एंड आर कृष्णा, क्यू आर यहाँ पे मैंने तुम्हें, वेरी गुड पूजा, वेरी नाइस पूजा, वेरी गुड, वेरी गुड आशुतोष, वेरी नाइस। इसमें क्या है, पॉलीस्पर्मी रिजल्ट व्हेन टू और मोर स्पर्म फर्टिलाइज एन एग, इट इज यूजुअली लीथल सिंस इट रिजल्ट इन अ ब्लास्टोमियर्स विद डिफरेंट नंबर्स एंड टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स, मेनी स्पीशीज देयरफॉर हैव टू ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, द फास्ट ब्लॉक एंड द स्लो ब्लॉक। इन द केस ऑफ सी अर्चिन तुम्हें बताना था, पी वाला ऑप्शन देखो, द फास्ट ब्लॉक इज एन इमीडिएट एंड कॉज द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू राइज विच डज नॉट, मतलब -70 mV से वो चला गया +20 mV पे, डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू फ्यूज विद द एग एंड इज मीडिएटेड बाय द इनफ्लक्स। यार इनफ्लक्स से तो होता है, अगर सोडियम आयन एंट्री करेंगे, इनफ्लक्स करेंगे, तभी तो डीपोलराइजेशन होगा। तो मैं पूरा एक्शन पोटेंशियल समझा चुकी हूँ तुम्हें, पी वाला तो सही होने वाला था। क्यू वाला देखो, द फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट कॉज द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू राइज, चलो ये भी सही है, which does not allow the sperm to fuse with the egg, ये भी सही है, and is mediated by the efflux, efflux नहीं होगा, अगर efflux होता तो कुछ होता ही नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो बिल्कुल गलत हो गया। influx और efflux का difference समझो please। R वाला देखो, the slow block or cortical granules reaction is mediated by the calcium ion, yes calcium ion इसको mediate करते हैं, slow block और cortical granules reaction में potassium ion इसको mediate नहीं करते हैं, तो answer will be your A। देखो अगर तुम्हें ये सोडियम आयन इफ्लक्स इनफ्लक्स का डिफरेंस नहीं पता है, मैंने एक्शन पोटेंशियल पे एक क्लास डाल रखी है, उस एक्शन पोटेंशियल वाली क्लास को देखो, आई थिंक तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले उस वाली क्लास को देखो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन हैं तुम्हारे। हाँ कृष्णा, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड, वेरी नाइस आशुतोष, रुद्र, जाहिद, वेरी नाइस एवरीवन। आंसर नहीं देखना था, ठीक है? आई थिंक ये इतने ही क्वेश्चन हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने डाले तो काफी थे। चलो कोई बात नहीं, अभी इतने क्वेश्चन कर लो, एटलीस्ट तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा इससे। चीटिंग मत करना, जब तक तुम्हें समझ नहीं है तब तक क्वेश्चन को मत करना। हाँ अब तो दिख गया होगा वो, पता नहीं। इन केस ऑफ द सी अर्चिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ द एग एंड स्पर्म। अगर डी वाला ऑप्शन देखते हो, कीमो अट्रैक्शन द स्पर्म टू द एग, हाँ बाय द सॉल्युबल मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय द एग, चलो ये भी सही था। पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्या वो पहले ही घुस जाएगा क्या मैट्रिक्स में? कैसे घुसने देगा, कैसे चला जाएगा वो, तो बिल्कुल गलत हो गया ये वाला। कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय द सॉल्युबल मॉलिक्यूल सीक्रेटेड बाय द एग, चलो ये वाला भी सही है। बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अरे पहले बाइंडिंग कैसे हो जाएगी, पहले कुछ रिलीज तो करो, ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। नाउ
ये भी तुम्हारे सारे के सारे, देखो ये तो तुम्हारा मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे भी गलत दे रखा है सारा का सारा, ये भी गलत हो गया। तो कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय द सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द एग, तो जो रिसेप्ट तुम्हारा रिलीज हुआ है वहां से एग से जाके स्पर्म पे बाइंड कर चुका है, फिर तुम्हारा एक्सोसाइटोसिस होगा एक्रोसोमल वेसिकल्स का, जो क्या करेगा उसको पाथ प्रोवाइड करेगा, वो तुम्हारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जाके बाइंड कर जाएगा, पैसेज करेगा मतलब अंदर जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के, और फ्यूजन हो जाएगा एगो स्पर्म सेल मेम्ब्रेन का। तो आंसर विल बी योर ए, ठीक है। यस नाउ अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है, आपको फ्री और क्लासेस लेनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे आ सकते हैं, वहाँ पे आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो वो भी फ्री होती हैं, तो जो भी बच्चा अगर नया आ रहा है तो वो फॉलो कर सकता है, जिसकी वजह से उसके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्लस पे ज्वाइन करनी है, वहाँ पे मेरी रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं फ्रॉम 26th ऑनवर्ड, तो आप मेरे साथ ही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में पहले मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी कराने वाली हूँ, फिर मैं आपको बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक कराऊंगी, तो ये सारी चीज़ें मैं सारे के सारा कोर्स कवर होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो आप मेरे साथ प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मेरे कोर्स के साथ साथ आपको सारे टीचर, जितने भी आपके CSI UGC NET से जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं, आपको सबके लाइव क्लासेस देखने को मिलते हैं, आपको सबके नोट्स मिलते हैं, आपको सबके क्विजेस मिलते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, जाने के बाद आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, और सर्च इंजन में आपको CSI UGC NET लिखना है, आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेना है, आपके बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है वहाँ पे, बहुत रेगुलर क्लासेस होती हैं, और आपको जो मंथली पूरा रेगुलर जो भी क्लासेस होने वाली हैं उसका पहले आपको दिखा दिया जाता है कि आपकी क्लास किस टाइम पे होने वाली है, इतना कोर्स कवर होने वाला है, वो आपको सब कुछ कराया जाता है। आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं, आप 24 मंथ्स का ले सकते हैं। जो भी बच्चा अगर 12 मंथ्स का लेता है तो उसका सारा कोर्स भी कंप्लीट होगा, कोर्स के साथ साथ उसका मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसकी वजह से उसका प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो काफ़ी फायदा होता है अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो। इसको जो नॉर्मली तुम्हें पेमेंट करना होता है 11,550 का पेमेंट करना होता है, लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, वो रेफरल कोड होगा कुमकुम10। कुमकुम10 यूज़ करने से क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और 10% ऑफ मिल जाएगा आपको मेरे कोर्स के साथ साथ सारे टीचर्स के कोर्स मिल जाते हैं। तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है कुमकुम10। ओके 10,395 आपको पे करना होता है फॉर 1 ईयर, 1 साल का अमाउंट है बेटा ये, 10,000 सिर्फ। आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हो, आपको इंस्टेंट ऑफ मिलेगा, आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, आप EMI के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आपको 10,395 पे करने हैं, आप उतने ही पे करोगे। आप UPI के थ्रू कर सकते हो, वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी पर जाना है, CSI UGC NET को सर्च करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग अ कुमकुम 10 टू गेट अ 10% ऑफ। मेरे कोर्स के साथ साथ आपको सारे टीचर्स के कोर्स मिलते हैं, जितने भी CSI UGC NET के टीचर्स होंगे, जो भी आपको उस टाइम पे कोर्स कंप्लीट करा रहे होंगे, आपको सबके कोर्सेज मिलते हैं, सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू आशुतोष, सोमन। कल सोमेन आई थिंक अमाइनो एसिड ही पूरा थोड़ा सा रह गया ना उसमें कुछ कुछ, तो वो कंप्लीट कर लेंगे। और बताओ कुछ और अगर पढ़ाना हो तो वो कंप्लीट कर लेंगे। कृष्णपाल क्या नहीं दिखा तुम्हें, तुम्हें क्या नहीं दिखा कृष्णा, तो मुझे बता सकते हो कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, या फिर तुम्हें अमाइनो एसिड ही कंप्लीट करा दूंगी अगर तुम्हें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो, क्योंकि अमाइनो एसिड का आई थिंक हो गया सारा पार्ट कवर, थोड़ा बहुत वो रहेगा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, तो हो सकता है कल ही करा दूंगी, नहीं तो फिर मुझे कुछ और बोलोगे तो मैं वो भी पढ़ा दूंगी तुमको। हाँ ओके चलो, थैंक यू सो मच।